हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोगों का स्पेशल में स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं मोरिंगा के बारे में। मोरिंगा कुछ भी नहीं है, इसको हम हिंदी में सहजन कहते हैं, इंग्लिश में ड्रम स्टिक कहते हैं और रेडिश भी कहते हैं। इसको मिरेकल प्लांट भी कहा जाता है और सुपर फूड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें इतने औषधि गुण पाए जाते हैं, इसलिए इसको हम मिरेकल प्लांट और सुपर फूड भी कहते हैं। इसको आप चाहे जैसे भी कंज्यूम कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। और इस पेड़ का हर एक पार्ट इस यूज़फुल है। इसका फूल है, पत्ती है, फल है, छाल है, सबका आप इस्तेमाल कर सकती हैं। तो इसका जो फूल है उसकी भी सब्ज़ी बनती है। पत्ती जो है उसको अब जब हरा है तो उसको आप छोटा छोटा काट के इसकी सब्ज़ी बना लीजिए, दाल में छोटा छोटा काट के डाल लीजिए, कड़ी बनाइए। और अगर ड्राई फॉर्म में बनाना है तो आप इसको स्मूदीज बनाइए, ड्रिंक्स में डालिए या वैसे गुनगुने पानी के साथ पीजिए। और इसका फूल है उसकी भी सब्ज़ी बनती है। इसका जो ड्रम स्टिक है उसको आप सांभर बनाइए, चाहे आलू के साथ मिक्स करके एक अलग सब्ज़ी बनाइए। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप इनके कैसे इसको कब कंज्यूम करना है। और इसके छाल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको पीस के आप चेहरे पर लगा सकती हैं। इसके बहुत सारे यूजेस हैं। इसको सुपर फूड इसलिए कहा जाता है या मेडिकल प्लांट इसलिए कहा जाता है, इसमें औषधि गुण पाए जाते हैं। ये विटामिन ए, बी, सी, ई इसमें पाया जाता है। इसमें प्रोटीन भी और ये प्रोटीन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन सब कुछ इसमें पाया जाता है। तो आपके अगर स्किन के प्रॉब्लम है, स्किन स्मूथ नहीं है, कुछ क्रैक्स है, अच्छे नहीं हैं दिख रहे हैं, तो आप इसको चेहरे में इसका लेप बना के इस्तेमाल कर सकती हैं। बाल आपके ड्राई हो गए हों और गिर रहे हों तो आप इसको लेप बना के बालों में लगाइए। ये आपके शरीर में अगर कैल्शियम डिफिशियंसी है, गम्स में इसमें प्रॉब्लम है, खून निकलता है या कुछ वैसे मसूड़े में कोई प्रॉब्लम है, तो आप इसको इसमें यूज़ करिए। इसको लीवर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, आपको बीपी में हेल्प करता है और अस्थमा में भी इसका बहुत ही काम आता है। अस्थमा के रोगी के लिए आपके जॉइंट्स पेन में काम आएगा, जॉइंट्स में जिसको प्रॉब्लम होती है उसके लिए भी काम आएगा, ब्लड शुगर जिसको है उसके लिए भी काम आएगा, कैंसर में भी बहुत यूज़फुल है। जिसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, दिमाग में जोर रहता है, उनके लिए भी है। और ये बैक्टीरिया से भी फाइट करता है, लीवर प्रॉब्लम के लिए भी है। और सबसे ज़्यादा आपको वेट लॉस में काम आता है। ज़्यादातर आजकल लोगों को बहुत प्रॉब्लम रहता है क्योंकि चाइनीज़ फूड को खाते हैं भरपूर, तो उनको पेट कम करना या वेट लॉस करना एक बहुत बड़ी समस्या आजकल है। लोग इसके लिए बहुत सारा पैसा बहा रहे हैं। तो ये लो, आप इसको गुनगुने पानी में एक स्पून इसको ड्राई करके आप इसको एक स्पून खा लीजिए और उसके बाद से गुनगुना पानी पी लीजिए, चाहे आप उसी में मिक्स कर लीजिए। तो इसकी पत्ती को आप कैसे सुखाना है, आप इसी पत्ती को ले आइए और उसको धो लीजिए और किसी साफ कपड़े के ऊपर चाइनीज फूड के ऊपर इसको फैला दीजिए। एक ही दिन में इसकी पत्ती सारी झड़ जाएंगी। और आप इसको धूप में बिल्कुल नहीं फैलाएँगे, इसको आप शेड में फैलाएँगे, चाहे फ्रिज में रख के सुखाइए, चाहे ऐसे शेड में फैलाइए। जब वो फैल कर सूख जाए तो आप इनको मिक्सर ग्राइंडर में पीस के और एक कंटेनर में आप इसको टाइट एयर कंटेनर में भर के रख लीजिए। और जब खाना हो तो एक चम्मच निकाल लिया, मिक्स कर लिया, स्मूदीज बना लिया, चाहे मिक्स कर लिया, चाहे खाने में डाल लिया, आपकी मर्जी है। लेकिन ज़्यादा अच्छा ये होगा कि आप इसको बिना कुक किए करेंगे, खाएंगे पिएंगे तो इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू बना रहेगा और थोड़ा आप अगर पकाएंगे तो थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये सब इनकी चीज़ें हैं। कैंसर से भी ये फाइट करता है। तो ये बहुत ही सुपर फूड है, इसीलिए इसको नाम ही सुपर फूड कहा गया है। डिप्रेशन की प्रॉब्लम भी आजकल लोगों में, तो एंटी डिप्रेशन भी इसमें सॉल्व करता है। अगर डिप्रेशन के पेशेंट बन रहे हैं तो आपको इसमें भी। और इसको विदेशों में तो लोग इसको मोरिंगा ओलिफेरा के बोटनिकल नेम है, लोग जानते नहीं हैं, कह रहे हैं मोरिंगा ओलिफेरा। तो इसको इसके ऑयल निकाल के लोग इसको बाज़ारों में 2,000-3,000 बहुत महंगे महंगे मिलते हैं इसके बाज़ार में, इसके तेल। और पाउडर भी बाज़ार में बहुत मिलते हैं, अवेलेबल है अलग अलग ब्रांड से, अलग अलग दाम से, 200, 300, 500, 800, 1200। तो क्यों बाहर जाकर खरीद के अपना पैसा बर्बाद करना। अगर ये आप अपने प्लांट खुद ही घर में लगा लीजिए, अगर बड़ा सा गमला आपके पास है तो आपको कहीं से मिल जाए तो ऐसे लगा लीजिए। और इसको काट के भी लगाया जाता है, जो हेल्दी जो आपके पास स्टेम मिल जाए हेल्दी, तो उसको ले आके किसी गमले में लगा दीजिए और जब जर्मिनेट होने लगे निकलते जाए तो आप उसको तोड़ तोड़ के इस्तेमाल करते चले जाइए। क्यों, जब आपको एकदम फ्रेश चीज़ अवेलेबल हो सकता है तो हम क्यों मार्केट से पैसा बर्बाद करके खरीदने जाएँ।
तो ये कुछ जानकारी मेरे पास थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। कैसा लगा मेरा वीडियो? अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। आप लोगों का सब्सक्रिप्शन हो बढ़ता जाता है तो मेरा भी मनोबल बढ़ता है, और मुझे कुछ अपने टाइट शीट में भी मैं समय निकाल के कुछ करना चाहती हूँ आप लोग के लिए भी, और मुझे भी अच्छा लगता है। मैं कुछ कुछ करती हूँ, मेरी भी आदत है कुछ कुछ पढ़ने की करने की, और आप लोग सब्सक्राइब करते तो मेरा मनोबल और बढ़ जाता है। तो फिर मैं कुछ और नया नया लाने का भी मेरा मन करता है कि चलो मेरा बनाया हुआ वीडियो कोई तो देख रहा है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप लोग अपने प्यार में पर ऐसे ही बनाए रहिए, और प्लीज़ प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।